सो गई तो सबसे पहले आप लोग ना एक बार इस लोग को देख लीजिए। एक हरे भरे जंगल में चार मित्र रहते थे, चूहा, कौआ, हिरण और खरगोश। चारों दिन भर जंगल में एक साथ रहते थे। वे सब साथ खाते पीते और एक दूसरे का खूब ध्यान रखते थे। हमारा यह जंगल कितनी शांति और खुशी से भरा है। हाँ, और सबसे अच्छा बात यह है कि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। तभी हिरण ने बोला, चलो मित्रों, अब अपने भोजन की खोज में। तो सभी मित्र अपने भोजन की खोज में चले गए। तो गाइस, अभी आप लोग ने जो भी एनिमल कार्टून को देखे थे ना, मैं आपको अपने स्मार्टफोन से इसी टाइप से गाइस एनिमल कार्टून वीडियो एडिट करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको भी कार्टून वीडियो एडिट करना सबसे आसान तरीके में सीखना है ना, तो अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो मैं आपको सबसे आसान तरीके में सिखा दूंगा कि कैसे आप लोग कार्टून वीडियो अपने स्मार्टफोन से बनाएंगे। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर ना हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शुरू और करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एनिमल कार्टून वीडियो एडिट करना सीखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको एनिमल कार्टून वीडियो एडिट करना सबसे आसान तरीके में सीखना है ना, तो अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो मैं आपको सबसे आसान तरीके में सिखा दूं। तो सिंपली आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी कार्टून वीडियो को एडिट करने से पहले कहानी की आवश्यकता होती है। तो अभी मुझे कोई कहानी नहीं पता है, तो हम लोग हर चीज ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से मोबाइल को ऑन कर लेंगे हम लोग। इस ऑन तो कर लिया मोबाइल को, सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से गूगल को आप लोग ओपन इस तरीके से कीजिएगा। आप लोग इतना काम तो कर सकते हैं। एंड आपको सर्च बार में क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे एक चीज सर्च करना है, चैट, और यहाँ पे GPT करके आपको लिख लेना है, ठीक है। और आपको डॉट देना है एंड इसको आपको यहाँ पे कॉम लिख लेना है, इस तरीके से लिख के और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। अभी आप लोग देखते रहिए वीडियो को अच्छे तरीके से। तो दनगिस, अभी मेरे सामने एक पेज ओपन हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। मेरे सामने इस टाइप से एक पेज मतलब कि गिस ओपन हो चुका है। तो हम लोग नीचे क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे जिस भी टाइप की कहानी चाहिए आप लोग इजीली यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे कोई भी कहानी चाहिए तो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं एक शेर, इस तरीके से लिखते हैं एक शेर, इस तरीके से करके, सॉरी शेर हम लोग गलती लिख लिए हैं, शेर इस तरीके से शेर। और यहाँ पे लिख लेंगे भेड़िया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से भेड़िया, इस तरीके से करके लिए भेड़िया लिख लेंगे, इन लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। हमको हमारा जो भी कहानी होगा वो हिंदी में हमको चाहिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे इन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स लिखेंगे, हमको छोटा कहानी चाहिए। अगर आपको लंबा कहानी चाहिए 5 से 10 मिनट का, तो आप लोग यहाँ पे 1000 वर्ड्स को कीजिएगा, तो आपका कहानी ऑटोमेटिकल हो जाएगा, ठीक है, उतना ही वर्ड का आएगा, ठीक है। अगर आप इससे भी लंबा चाहेंगे तो यहाँ पे 10000 वर्ड्स को कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकल वो भी बड़ा कहानी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 100 वर्ड्स रखता हूँ, इस तरीके से 100 वर्ड्स को रखता हूँ, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से करके वर्ड्स को लिख लेंगे, ठीक है। और आपको तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, तीर वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कहानी क्रिएट होके आ जाएगा। अभी आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से, तो अभी मेरा कहानी आ चुका है। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा कि कैसे मेरा कहानी क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए तो मेरे पास किस तरीके से कहानी, आप लोग यहाँ पे सुनिए अच्छे तरीके से। एक शेर और एक भेड़िया जंगल में रहते थे। शेर अपने मतलब कि बल और साहस के कारण जंगल का राजा था, इस तरीके से करके मेरे पास एक कहानी आ चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस कहानी को इस तरीके से कॉपी कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अगर गाइस आप लोग अपने अपने वॉइस में एडिट करेंगे इस कहानी को तो काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन मैं आपको AI से भी सिखाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग AI से करेंगे तो मतलब कि आपको इजीली मतलब कि अनुभव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने वॉइस में एडिट करें, ठीक है। और यहाँ से कट आइएगा, कट आप लोग आइएगा और सिंपली AI से एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ जाएगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है स्पीड मतलब कि टेक्स्ट टू स्पीड वाला एप्लीकेशन। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये एप्लीकेशन। आप लोग जाइएगा प्ले स्टोर पर, इसको सर्च कीजिएगा, आप लोग डाउनलोड इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। आराम से, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराइएगा, बहुत आसान है, ठीक है। और आपको इस पर इस तरीके से क्लिक करना है, तो आप लोग तो क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पे आइएगा, कहानी को आप लोग पेस्ट कीजिएगा, इस तरीके से करके आप लोग कहानी को पेस्ट कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है, तो आप लोगों को इंग्लिश पे इजीली आप लोग क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद आपको नीचे आना है और जिस भी लैंग्वेज में आप लोग अपने कहानी को रेट करना चाहेंगे, जिस भी लैंग्वेज में, ठीक है, उसी वाले लैंग्वेज को रखना है। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको कंट्री देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली मैं इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करूँगा और आपको नीचे 9 प्रकार की वॉइस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, मैं यहाँ से फोन नंबर वाले वॉइस को सिलेक्ट करूँगा, तो आप लोगों को जो भी अच्छा वॉइस लगे आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको डन पे क्लिक करना है, डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपने कहानी को यहीं पे सुन सकते हैं। तो मैं भी आपको सुना भी देता हूँ गाइस, ठीक है।
एक शेर और भेड़िया जंगल में रहते थे। शेर अपने बल और साहस के कारण जंगल का राजा था, जबकि भेड़िया चालाकी और एकता में विश्वास रखता था। शेर अक्सर अकेले ही शिकार करता, वही भेड़िया अपनी टोली के साथ शिकार करता। गाइस आप लोगों को पता चल गया कि मेरा जो भी कहानी है सो वॉइस में रेटिंग हो चुका है। और अब मैं आपको बात बोलना चाहूँगा एक, ठीक है, कि आप लोग अपने वॉइस में रेट करने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर, जो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कहानी का जो भी आपको अपने कहानी का नाम देना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे दे दीजिए, मतलब कि दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली यहाँ पे एनिमल, इस तरीके से करके लिखेंगे एनिमल और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर लेंगे, आप लोग सेव कर लेंगे अपने कहानी को। अब गाइस अपने कहानी के हिसाब से हम लोग भेड़िया और शेर, इससे एनिमल मतलब कि जो भी फ्यूचर से एनिमल हम लोग कहाँ से लाएंगे, जो भी इसका मतलब कि एक्ट्रेस है, ठीक है, तो उसको कैसे लाएंगे, तो कट करेंगे सब कुछ मोबाइल से करेंगे हम लोग, मतलब कि कोई लैपटॉप और कंप्यूटर का हम लोग यूज नहीं करने वाले, हर चीज़ हम लोग मोबाइल से करने वाले हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे प्ले स्टोर को इस तरीके से ओपन, तो आप लोग भी कीजिएगा, ये काफ़ी आसान है। और नीचे सर्च में आपको क्लिक करना है यहाँ पे ना, और आपको एक एप्लीकेशन को सर्च करना है एनिमल, इस तरीके से लिखना है एनिमल, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है फोसिंग, यहाँ पे आ जाएगा एनिमल फोसिंग, तो कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, तो आप लोग इस ओपन पे क्लिक कीजिएगा, तो इजीली आप लोग ओपन पे इस तरीके से क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करेंगे तो गाइस आपको थोड़ा सा क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने मोबाइल को रोटेट करना है, ऑटो रोटेट पे क्लिक कर लेना है। और आपको इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से आपको कर लेना है, इस तरीके से, तो आप लोग कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा, अभी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट बार में इस शेर का एक मतलब कि पीएनजी को मिला होगा, मतलब कि इस शेर से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर गाइस आप लोग इसको चेंज करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक चेंज का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग चेंज पे क्लिक कीजिएगा। और इसमें आपको बहुत सारे एनिमल दिखने को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारा एनिमल आपको इसमें दिखने को मिल जाएगा, जो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारा एनिमल आपको मिल जाएगा, जो भी इस एनिमल के साथ अपने कार्टून वीडियो को आप लोग बनाना चाहेंगे उस वाले एनिमल को आप लोग, मतलब कि एनिमल को आप लोग ले लीजिएगा अच्छे तरीके से, देख लीजिए आपको इसमें बहुत सारा एनिमल दिखने को मिल जाएगा, जो भी आप लोग यहाँ पे आपका कहानी जिस भी टाइप का होगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसमें आप लोग रेटिंग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा इस तरीके से था, जो भी मेरा मतलब कि था, इसमें आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो आपका कहानी जिस भी टाइप का होगा, जिस भी टाइप का होगा, आप लोग उसी टाइप का मतलब कि यहाँ से एनिमल को लीजिएगा, ठीक है। तो और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे शेर वाला ले लेंगे, शेर वाला ले लेंगे। और यहाँ पे ऊपर पे आपको मिलेगा एक अप्लाई का ऑप्शन, देख लीजिए आपको यहाँ पे, मैं अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग अप्लाई पे क्लिक कर लीजिएगा, अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। अगर गाइस हम लोग इस शेर से कुछ भी करवाना चाहेंगे तो वो कैसे काम करेंगे, तो काम करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट पोज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पोज पे क्लिक करेंगे, काफ़ी स्थान है देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे रन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकल आपका शेर दौड़ने लग जाएगा, फिर से यहाँ पे इसको अगर हम चलाना चाहेंगे तो इस तरीके से चला सकते हैं। और यहाँ पे अटैक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे अटैक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी पे अटैक करने लग जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारा फीचर्स मिलेगा यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग ईयरटी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ खाने लग जाएगा, बहुत सारा इसमें आपको मिल जाएगा फीचर्स, ठीक है। तो आपका कहानी जिस भी टाइप है, और जिससे कि मैं इसको अभी मतलब कि चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वेल्क पे, ठीक है। वेल्क पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकल हमारा मतलब कि शेर है वो चलने लग जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको हम लोग इस तरीके से करके यहाँ से इस तरीके से करेंगे और सिंपली कर लेंगे। और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पर, आपके इसे इधर नहीं होगा, हम लोग आराम से यहाँ पे इसको रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रख लीजिएगा और आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे नीचे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से करके, तो गाइस आप लोग क्या कीजिएगा, इस बैकग्राउंड पर आपको क्लिक करना है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन स्क्रीन नहीं सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको खुद का मतलब कि नॉलेज बता रहा हूँ जिससे कि मैं खुद करता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे और इसको इस तरीके से बड़ा करेंगे, इस तरीके से बड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकल क्या करेंगे, इस आँख वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकल इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका जितना भी स्टार पार्ट अभी आपको दिखने को मिला था ऑटोमेटिकल हट चुका है। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसका स्क्रीन शॉट आप लोग कर लीजिएगा, तो मैं अभी इसका कर ही लेता हूँ।
तो दंगिस मैं इसका इस क्रोन मेरे बैलों में कर लिया हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट्टा जाऊँगा ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने कहानी के हिसाब से, मतलब कि जिस भी टाइप का आपका कहानी होगा, आप लोग उस टाइप का बैकग्राउंड को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिलेगा, यहाँ पे इमेज सर्च मैन, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग इसको इस तरीके से ओपन कीजिएगा, आप लोग ओपन कीजिएगा, काफ़ी आसान है। और आपको बैकग्राउंड पर मतलब कि सर्च पर क्लिक करना है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कार्टून और यहाँ पर लिखेंगे जंगल, ठीक है। इस तरीके से करके लिख लेंगे जंगल, इस तरीके से करके लिख लेंगे हम लोग जंगल, ठीक है। इस तरीके से जंगल लिख लेंगे और लिखेंगे फिर से बैकग्राउंड, इस तरीके से करके लिख लेंगे और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकल सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, जो आप लोग अपने कार्टून वीडियो में इजीली यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, इसके कारण से आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिला है, तो ऑटोमेटिकल बहुत ही जल्दी मेरा यहाँ पे PNG आ जाएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए बस। तो देन गाइस अभी आप लोग मेरे भाई लोग देख लीजिए कि मेरे सामने बहुत ही सारा बैकग्राउंड आ चुका है, तो आप लोगों के सामने भी सेम स्टेप से बहुत सारा बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा। जितना भी फास्ट आपका नेट चलेगा उतना जल्दी आपका मतलब कि बैकग्राउंड दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे सामने अभी इतना ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकल जैसे कि नेट हमारा चलेगा उसी तरीके से पूरा मतलब कि फ्रेश होगा और पूरा अच्छे तरीके से दिखाई देगा, तो आप लोग इसमें घबराइएगा मत, ठीक है। तो अभी आपको मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं उसी का यूज करूँगा, तो मैं यहाँ पर सॉरी गाइस यहाँ पर इसको कर लिए क्लिक, तो फिर से देखते हैं तो यहाँ पर फिर से आ गया है, थोड़ा सा उसको सर्च कर लिए थे इसके कारण से प्रॉब्लम आपको दिखने को मिल गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पहले बैकग्राउंड को सिंपली यहाँ पे कर लेंगे क्लिक, इस पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकल मतलब कि कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसी वाले को कीजिएगा, जैसे कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है देख लेते हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, तो हम लोग इस वाले को ले लेंगे, ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है दिखने में, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इसका यूज कीजिएगा, आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप लोग यूज कीजिएगा। और HD में अभी होगा, देखिए थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसके कारण से आपको प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली सारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम अपने रूम के अंदर इसके कारण से आपको एक प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकल अभी फ्रेश हो जाएगा अच्छी तरीके से, आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे हो चुका है, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, नीचे देखिए आप लोग क्लिक हो चुका है कंप्लीट डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड कंप्लीट। एक बार और देखिए डाउनलोड कंप्लीट, दो बार मतलब कि इसको सेव किए हैं, दो बार में ही हो गया होगा, ठीक है। और कटाएंगे और सिंपली मोबाइल टाक ऑफ करेंगे, अब कोई भी काम हम लोग मतलब कि नेट से नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे, बहुत आसान है, देख लीजिए। और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 16.9 को सिलेक्ट रखना है, और आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है, और सबसे पहले आप लोग अपने बैकग्राउंड को ले लीजिएगा इस तरीके से करके, और आपको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको कीजिएगा, जितना भी इसको आप लोग बड़ा करना चाहेंगे उतना आप लोग इसको कीजिएगा, ठीक है। तो इतना कर लेंगे, ऑडियो पे आएंगे, सॉन्ग पे आएंगे, और जिस भी सॉन्ग को मतलब कि ऑडियो को लेना चाहेंगे उसको ले लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे गाइस आ चुका है एनिमल 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकल गाइस हमारा कहानी आ जाएगा। अब अपने कहानी को अच्छे से आपको सुनना है, और लेयर और मीडिया पे क्लिक करना है, अपने शेयर वाले PNG को लेना है, और इस तरीके से करके, और गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, और इसको इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना है, इस तरीके से करके आप क्रॉप कर लेना है, और आपको सिंपली यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक करना है, इसको इनेबल इस तरीके से आपको कर लेना है, और यहाँ पे इसका जो भी पार्ट होगा वो हट जाएगा। अब यहाँ पे इसको रखना है, और इसको आप लोग चलाना चाहेंगे तो यहाँ तक आप लोग आइएगा, ठीक है। और आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे मिल गया वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको इस तरीके से करके इसको चलाना है, इस तरीके से करके आपको चला लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी देखिएगा इस पूरा रिजल्ट आप लोगों को दिखाएंगे। एक जंगल में एक शेर रहता था, वो अपने मतलब कि पावर और कुछ भी जो भी था कहानी के हिसाब से करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और इस मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। मैं फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब लगे इसी फुल वॉचिंग, थैंक यू समझ गई इस।